कानपुर में निकाय चुनाव के नामांकन के बाद पार्षद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। वार्ड 16 परमपुरवा में बसपा प्रत्याशी शालू कोरी के पति चंदन कोरी अकेले ही घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी विद्या देवी लाव लश्कर के साथ चुनावी रण में कूद पड़ी हैं। सभी प्रत्याशी अपने स्तर से जनता तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस उम्मीदवार रश्मि शाह और उनके कर्ता धर्ता दिलशाद हाशमी उर्फ मुकरी कानों में तेल डालकर बैठे हैं। रश्मि शाह के कर्ता धर्ता का चीख चीख कर कहना है, भाजपा ने विद्या देवी को टिकट देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमारे पास 3000 मुस्लिम वोटर है, चुनाव लड़ रहे 4 ऐसी कैंडिडेट आपस में ही वोटों का बंदरबांट करेंगे, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। कर्ता धर्ता ने यहाँ तक कह दिया कि हमें ब्राह्मण और ठाकुर वोट नहीं चाहिए, वे लोग अपना वोट अपने पास दहा कर रख लें, हमें नहीं चाहिए। वहीं दूसरी ओर पार्षद प्रत्याशी रश्मि शाह का एक कारनामा भी निकल कर सामने आया है। आरोप है कि करीब 8 साल पहले कैम्ब्रिज स्कूल के पास तोतापुरवा बस्ती में सीवर लाइन डालने का शिलान्यास कराया गया था, लेकिन आज तक बस्ती वालों को सीवर लाइन नसीब ही नहीं हुई। आरोप है कि सीवर लाइन कागजों में ही पड़ गई। यहाँ के लोग सीवर के गंदे पानी में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ना जाने कितनी ईद आई, ना जाने कितनी होली दिवाली आई, लेकिन हर त्यौहार यहाँ के लोगों को इसी सीवर के गंदे पानी के बीच ही रहकर मनाना पड़ा है। क्या नाम है आपको और क्या समस्या है? समस्या यही है कि सीवर लाइन नहीं है। मेरा नाम बसंती है, बसंती विश्वकर्मा, और सीवर लाइन नहीं है यहाँ पर, ना ही मतलब पानी की पीने वाली भी कोई व्यवस्था। टंकी जरूर है जयकपुर की लगी, अगर ये चलती है तो पीने को मिलता है, अगर बिगड़ जाती है तो भी नहीं मिलता है पानी पीने के लिए। ये रश्मि शाह का जो पूर्व सभासद रह चुकी हैं, उनका शिलान्यास का एक पत्थर भी लगा हुआ है, तो उन्होंने शिलान्यास कराया, क्या सीवर लाइन नहीं डलवाई? नहीं, उन्होंने नहीं डलवाई, डलवाई होती तो ये पानी ना भरा होता। तो आप लोग क्या कभी उनके पास गए कि सीवर लाइन नहीं पड़ी, आप सीवर लाइन? अरे कई बार उन्होंने आके देखा गया है, कहा भी गया है, लेकिन सुना ही नहीं किसी ने। उनके यहाँ से कभी रश्मि शाह यहाँ पे आई आप लोगों की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई है, लेकिन देखा है चली गई है, हो जाएगा काम, हो जाएगा, बस यही कह के रह जाता है आदमी, कोई भी आता है यही कह के रह जाता है। नहीं, जब वो रश्मि शाह पार्षद नहीं थी तब आप लोगों के बीच आई कभी? नहीं, पहले तो नहीं आई है, जब बुलाई गई तो आई भी है, कई बार अपनी जरूरत के लिए आई, वैसे कोई नहीं आता जल्दी। आप लोगों की समस्याओं के लिए नहीं आई, अपनी जरूरत के लिए? हाँ। और कोई मतलब उनके साथ का कांग्रेसी जिसे? कोई भी नहीं देखने आता यहाँ। मुकरी बताया जाता है, तो मुकरी कभी आप लोगों की समस्या सुनने आए? जब वहाँ हम लोग गए हैं तो सुने हैं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आता है। तो मतलब बीमारियाँ भी हो रही होंगी, गंदा पानी? बिल्कुल, और गंदा पानी है, मच्छर भी लगते हैं और पानी भी भर जाता है, पब्लिक निकलती भी है गंदे पानी से, वो तो आप देख ही रहे हैं। आप लोग क्या चाहती हैं कि मतलब कौन ऐसा कैंडिडेट, किस तरीके का कैंडिडेट आना चाहिए? जो भी आवेगा लेकिन सफाई कराए यहाँ पर, जो सफाई कराएगा उसी को वोट भी दिया जाएगा। चाची क्या नाम है आपका? उर्मिला श्रीवास्तव। क्या है आपके क्षेत्र में समस्या, किस तरह की? सफाई नहीं हो रही है, सीवर नहीं पड़ रहा, ना नाली साफ होती है, ना सड़क साफ होती है, पानी भी नहीं आता वहाँ तक, वो पाइप पड़ी यहाँ भी नहीं लगी पाइप, ये पाइप खराब हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे पानी, ऐसे गंदगी में रहे हम। आपके पीछे एक शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि रश्मि शाह जो यहाँ की पार्षद थी उन्होंने सीवर लाइन डलवाई, क्या सीवर लाइन पड़ी है अभी तक? नहीं पड़ी है। तो ये शिकायत आपने करी कि सीवर लाइन नहीं पड़ी या डलवाई है? बहुत जगह शिकायत किया गया, बहुत लोग गए, सब लोग, फिर भी उन्होंने नहीं, कोई नहीं सुनवाई है। मतलब ये ऐसी पत्थर लगा के खाली लगा के छोड़ दिया, सीवर लाइन नहीं। वहाँ से कोई आया है कभी आप लोगों की समस्या? आई, अपने अपने समस्या हल करके चली गई। आप लोगों का? हम लोग का कोई नहीं, कोई समस्या नहीं हल करी। तो बुलाने पे रश्मि आती भी नहीं है यहाँ पे? बुलाने से आती है, अपने काम के लिए आती है, मेरे काम के लिए नहीं आते हैं। यहाँ कोई मर रहा कि जी रहा। तो क्या चाहती हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? सिविल लाइन पड़ना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए, और क्या चाहिए?
यहाँ गंदगी के चलते बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं, डायरिया भी यहाँ फैलता है, लेकिन कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। मजे की बात तो यह है कि शिलान्यास के पत्थर के करीब में ही कांग्रेस से वार्ड 16 अध्यक्ष पप्पू वर्मा का मकान है। पप्पू वर्मा के घर के सामने भी नालियां भरी पड़ी हैं। इलाकाई लोगों का कहना है कि पप्पू वर्मा ने भी कभी सीवर लाइन डलवाने की कोशिश करना तो दूर, कभी सफाई कराने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ की जनता अब एक ऐसे पार्षद को चुनना चाहती है जो उनको इन समस्याओं से निजात दिला सके। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।